सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पाठ 3 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ में भालू ने कैसे शेर के बच्चे के साथ फुटबॉल खेली वो बताया गया है। चलो इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सर्दी से सिकुड़कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे पड़ा था। इधर भालू सुबह सैर पर निकल आए थे। निकल तो आए लेकिन पछता रहे थे। तौबा तौबा, इतनी ठंड। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। कोहरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। आंखें फाड़ी, अकल दौड़ाई। आह, फुटबॉल, सोचा, चलो इस तरह कुछ गर्मी हासिल की जाए। आव देखा ना ताव और पंजे से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा चिल्लाया, जामुन की डाल पकड़ी मगर डाल टूट गई। भालू जल्दी ही मामला समझ गए। पछतावा हुआ लेकिन बड़ी फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाकर गिरते हुए शेर के बच्चे को कैच कर लिया। अरे ये क्या, भालू ने देखा शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए अनुरोध कर रहा था। एक बार फिर भालू दादा, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था। बस सिर्फ एक बार और कि रट लगाने लगा। परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। बारहवीं बार किक लगाते ही भालू ने अपने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चोट करारी लगी, कराते हुए भालू को कोसने लगा। परंतु थोड़ी देर में सोचा, गलती मेरी ही है। अब कोहरा छट गया, बादल हट गए, सूरज की चमकीली किरणें चारों तरफ फैल गई। जामुन के पेड़ का मालिक वहां आया। अपने पेड़ की दुर्दशा देखी तो शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। सत्यानाश कर दिया मेरे पेड़ का, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे को समझाया, थोड़ा ठीक हो जाऊं तो रुपये भी भर दूंगा। मालिक ने कहा, ठीक है। मालिक के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची सो लाखों पाए। फिर शेर का बच्चा कभी लौट कर वहां नहीं आया। तो आपको स्टोरी कैसी लगी, मज़ा आया ना। तो आपको ये स्टोरी रीड करनी है।